अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स, ये आप मेरी स्क्रीन पे जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये लास्ट टाइम हमने वीडियो में यूज़ की थी। तो आज मैं इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करूँगा आप लोगों से, ठीक है, वो ये है कि इस डाटा को प्रिपेयर करने के बाद हमें अगर इसका सेटिंग आउट का डाटा चाहिए, ठीक है, ये जो बेंचेज हैं, ठीक है, इनकी बाद में हमने सेटिंग आउट करनी है साइट पे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इन बेंचेस के पॉइंट हम लोग जो हैं अभी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी इंशाल्लाह। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमारे पास अलाइनमेंट का डाटा है, ओके, और हमारा कॉरिडोर है और कॉरिडोर की सर्फस है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस पर सैम्पल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। तो ये मेरे पास अलाइनमेंट है, ओके। इसमें मेरे पास जो सरफेस है, एक एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, एक कॉरिडोर है और कॉरिडोर का टॉप सरफेस है। तो ये मेरा कॉरिडोर का टॉप सरफेस है। मैं इसको फिनिश ग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं स्टेशन बाई रेंज जो है, बाई रेंज ऑफ स्टेशन, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो इसमें मुझे जो डाटा चाहिए वो सिर्फ मुझे राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे बेंचेस स्लोप वगैरह जो हैं वो सिर्फ राइट साइड पे है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो मेरा ऑफसेट है मैं इसको 60 मीटर कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे जो है कुछ सेटिंग है, ओके, तो मैं इसको 5-5 मीटर पे ले रहा हूँ, कर्व पोर्शन में मैं इसको 2.5 मीटर पे रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टार्ट एंड में मैं ट्रू इसको ले रहा हूँ और इसको भी मैं एंड में भी ट्रू ले रहा हूँ। तो इस पे ये सैम्पल लाइन क्रिएट हो गए, ठीक है, ये सैम्पल लाइन कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हमने सेक्शन व्यू क्रिएट करने हैं तो फिर हमें इसको सेट करना पड़ेगा, ओके। और हमने इसमें सेक्शन व्यू क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सेटिंग नहीं कर रहा, ओके। इसको मैं इधर से क्लोज करता हूँ, इस टूल बॉक्स को, ओके, टूल बार को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल लाइन हमारे क्रिएट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट में जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मुझे सेक्शन रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, ओके। कौन सी सेक्शन रिपोर्ट रिक्वायर्ड है मुझे, मुझे ऑल कोड की सेक्शन रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, ओके। बेंच इन कहाँ पे हो रहा है, बेंच आउट कहाँ पे हो रहा है, डे लाइट कहाँ पे जाके उसमें टच कर रहा है, किंग, कट एंड फिल, ओके। मुझे इसका 5-5 मीटर पे, ओके, का रिपोर्ट चाहिए। तो मैं क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। ये रिपोर्ट इसकी अभी आप देख सकते हैं, डेट एंड टाइम जो है इसमें आ रहा है, ओके। ये आज अर्ली मॉर्निंग की है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं एक्सेल में इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये एक्सेल में मैंने डाटा पेस्ट कर दिया है, ओके। तो इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ, ओके। तो ये डाटा मेरा जो है प्रिपेयर हो गया है सेटिंग आउट के लिए। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट का जो 0 का पॉइंट है वो भी आ गया है, ओके। और जो आगे जहाँ जहाँ पे बेंचिंग है उसके हिसाब से इसने पॉइंट ले लिए, जैसे जैसे डाटा है 5-5 मीटर के हिसाब से, ठीक है, इसने वो पूरा उठा लिया है सेक्शन वाइज। जहाँ पे जितने बेंचेस ज़्यादा है वहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं, और जहाँ पे बेंच कम थे वहाँ पे पॉइंट कम आ रहे हैं। ये देखिए, ये पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, देखिए, ओके। तो अभी मैं इस डाटा को आपको वेरीफाई करवाता हूँ कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है, ओके। मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, ओके। मैं इस डाटा में, किसी एक डाटा में मैं इसको सेव करता हूँ, ओके, ब्राउज, ओके। मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, ओके, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में है ये। यहाँ पे मैं इसको रिपोर्ट के नाम से, ओके, CSV फाइल में मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ओके। CSV फाइल में मैंने इसको सेव कर दिया, ओके, यस।
अभी इसमें मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अभी ये सिर्फ एक्स वाई जेड रह गए। ओके, इसको मैं सॉर्टिंग में जाता हूँ, फिल्टर। ओके, फिल्टर में मुझे क्या चीज़ नहीं चाहिए वो मैं इसमें से निकाल देता हूँ, एक्स और ब्लैंक नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं इसको ओके, ये पूरा डाटा जो है इसमें से चला गया है। ओके, फिल्टर मैंने इसका क्लियर कर दिया है। ओके, एक दफ़ा मैं फिर इसको चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई एम्प्टी रो वगैरह जो है वो बाकी है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी है। ओके, एक दफ़ा फिर मैं इसको चेक करता हूँ। क्लियर, और इस कॉलम में भी मैं इसको सिलेक्ट करके मैं चेक करता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, इसमें भी कुछ ब्लैंक है, मैं इसमें से भी इसको डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट हो गया, तो अभी मैं इन तीनों पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ। ओके, फिल्टर। ओके, इसमें अभी भी ब्लैंक है। ओके ओके, तो मैं इसको अभी सेव करता हूँ, फिल्टर क्लियर करता हूँ, कंट्रोल एस, यस, कंट्रोल डब्ल्यू। ओके, ये फाइल बंद हो गई है। अभी मैं सिविल सिटी में जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, मैं पॉइंट्स में, पॉइंट टूल में, पॉइंट क्रिएशन टूल का ले रहा हूँ। ओके, पॉइंट क्रिएशन टूल लिया मैंने। ओके, क्रिएट पॉइंट्स में ये इंपोर्ट का जो ऑप्शन है, इंपोर्ट पॉइंट, मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, प्लस के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारी फाइल है उसका नाम रिपोर्ट रखा हमने, ये जो आज हमने अभी जो है सेलेक्ट किया था। ओके, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि इसमें ऑलरेडी ये एक कॉमा की वैल्यू है। ओके, तो आपने इस डाटा को ऐसे सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है। ओके, और नंबर पे आपने इसको सेट करके क्लोज कर देना है। ओके, यस यस, अभी अगर हम सिविल 3D में जाते हैं, ओके, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं रिपोर्ट। ओके, ओपन, तो ये मैं फर्स्ट वाला इसमें ऑप्शन ले रहा हूँ। ओके, पॉइंट हमारे ड्रा हो गए हैं, इंटर, ये आप देख सकते हैं पॉइंट हमारे ड्रा हो गए हैं। अभी हमने इन्हीं पॉइंट से सरफेस क्रिएट करके देखनी है कि आया ये सरफेस सेम क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं प्रॉस्पेक्टर टैब में जाता हूँ, सरफेस, न्यू, ओके, वन, इसका मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। ओके, ओके, और इस सरफेस में मैं ये डेटा ऐड जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, ऑल पॉइंट्स, ये सरफेस हमारी बन गई है। ठीक है, अभी हम इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक कर लेते हैं। तो ये सेम वही सरफेस हमारी बन गई है, ट्राइंगुलेशन का वही प्रॉब्लम है जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरह आप अपना सेटिंग और डाटा जो है, ठीक है, उसको आप इजीली ले सकते हैं सिविल 3D से। इस वीडियो में मुझे यही बताना था। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।